नकीब रजा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखता हूँ। आज जो किशनगंज सेंटर जो बना हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, वहाँ जो फंड सरकार रिलीज नहीं कर रही है उसके कारण वो सेंटर बंद होने के कगार पे हैं। तो हम सभी को चाहिए कि, और मैं सब राजनेताओं से अपील करूंगा कि वो सरकार से बात करे और कुछ फंड मुहैया कराए ताकि वो सेंटर बंद ना हो। वहाँ जितनी भी कोर्सेज चल रही थी MBA और BEd की, वो भी बंद होने के कगार पर है। तो हम लोगों को ये चाहिए कि उस सेंटर को बंद होने से बचाएं। वहाँ के जो सीमांचल के जितने भी बच्चे हैं, जो यानी जिसकी हालत, जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, वो बाहर आके पढ़ नहीं पाते हैं, तो ऐसे लोगों को वहाँ अगर सेंटर अगर खुली भी रहती है तो वो लोग अच्छी तरह पढ़ पाते हैं और अपनी यानी जो आगे की लाइफ है वो अच्छी तरह जिंदगी जी पाते हैं। लेकिन हम आज अगर इसी तरह हालत रही तो वो भी सेंटर कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगी। तो हम सबसे मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप लोग सब कुछ न कुछ सरकार से अपील करें, अपना वीडियो बनाएं या कुछ भी करें ताकि वो सेंटर जल्द से जल्द वो बंद ना हो और उसमें सरकार कुछ फंड मुहैया कराए और उसके सारी जो कोर्सेज हों, यानी उसमें और भी बहुत सारी कोर्सेज स्टार्ट हो और वहाँ के उधर के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर पाए और अपना आगे अपने तालीम हासिल कर पाए। अगर आप खामोश हैं तो AMU किशनगंज की बदहाली के लिए आप भी जिम्मेदार हैं। सर सैयद डे के मौके पर आइए हम सब मिलकर AMU किशनगंज के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। कैसे करें इस चीज़ को? 2 से 3 मिनट का एक वीडियो क्लिप बनाइए AMU किशनगंज के बारे में। आपके दिल में जो भी दर्द है उसे एक बयां कीजिए उस वीडियो में और इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए।